ज्वाइन द क्लास फास्ट बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शुभलीन। मैम हमारी इंग्लिश लगेगी। इंग्लिश लगेगी मतलब प्लस टू की इंग्लिश? यस मैम। हाँ जो तुम्हें जसप्रीत मैम करवा रहे हैं ना इंग्लिश एनडीए में। हाँ जी मैम वही मैम प्लस टू इंग्लिश भी करवा देंगे, बट अभी तो कोई फायदा नहीं है, अभी तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो एक बार थोड़ा सा। ओके उसके बाद करवा देंगे तो दिक्कत नहीं है। ओके मैम। ओके ओके मैम चलो आगे बच्चों। मानसी भी आ गई है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें प्लस टू की ऑर्गेनिक से पहले आनी चाहिए? सबसे पहले हम करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक। आपको मैंने पहले भी बताया था, करवाया था कि नॉमेनक्लेचर के लिए आपको हमेशा एक जनरल स्ट्रक्चर फॉलो करना है, राइट? वो जनरल स्ट्रक्चर क्या है पता है आप लोगों को? बीच में आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट से पहले क्या आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, इससे पहले क्या आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद क्या आता है प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये है हमारा जनरल स्ट्रक्चर, राइट? अब इस स्ट्रक्चर में सभी का मतलब क्या है, मतलब कि नेमिंग स्टार्ट कहां से हो रही है? यहां से। सबसे पहले हमने नेमिंग के अंदर क्या देखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इसका मतलब क्या होता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि जो हमने कार्बन चेन चूज करी है उसके अलावा जितने भी बाकी हैं वो सब क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है साइक्लो, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है तो सब्स्टिट्यूएंट के बाद आता है उसका नाम। फिर नाम आता है वर्ड रूट का, मतलब कि जो हम कार्बन चेन चूज करते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स इन प्रिंसिपल चेन, कि अगर वो चार कार्बन है तो ब्यूट आता है, पांच आ है तो पेंट आता है एंड सो ऑन। प्राइमरी सफिक्स का मतलब ब्यूट पेंट तो आ गया लेकिन वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड है तो अल्केन बन जाएगा, दैट इज सिंगल बॉन्ड। अगर अनसैचुरेटेड है तो एल्कीन और एल्काइन बन जाएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ईन लिखेंगे, आयन लिखेंगे या एन लिखेंगे, वो हमें ये बताता है। लास्ट है सेकेंडरी सफिक्स, ये बताता है हमें नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि अगर अल्कोहल है तो ओएल लगाएंगे, अगर एल्डिहाइड है तो एएल लगाएंगे, कीटोन है तो ओएनई लगाएंगे एंड सो ऑन। क्लियर बच्चे यहां तक? यस ओके। आगे क्या है, आगे हम करते हैं बेसिकली वर्ड रूट क्या क्या है। वर्ड रूट में हमने बात, वर्ड रूट में हमने बात करी कि नंबर ऑफ कार्बन, राइट? अगर कार्बन वन है
तो क्या नाम आएगा उसका? मेथ, राइट? अगर कार्बन दो है तो क्या नाम आएगा? एथ। एथ। कार्बन थ्री है तो प्रोप। प्रोप। कार्बन फोर ब्यूट। कार्बन फाइव पेंट। कार्बन सिक्स हेक्स। कार्बन सेवन हेप्ट। कार्बन एट ऑक्ट। कार्बन नाइन नन एंड कार्बन टेन डेक। कार्बन इलेवन क्या होता है बच्चों? एनीबडी नोज? यस मानसी? नहीं? कार्बन शायद यू अंडेक होता है। हाँ जी बेटा बिल्कुल, अंडेक कह सकते हो या हम इसको हैंडेक भी बोलते हैं, ठीक है। अब कार्बन 12, देखो ये 10 की सीरीज जा रही है इसलिए डेक लगेगा, दो डेक। कार्बन 13 ट्राइडेक। कार्बन 14 टेट्राडेक एंड सो ऑन। कार्बन 20 क्या होता है? आईकॉस, ई आई सी ओ एस, आईकॉस। 21 क्या हो जाएगा? अन आईकॉस। 22 डो आईकॉस। 23 ट्राई आईकॉस एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे आपको बस 20 तक आने चाहिए, बट बता रही हूं वैसे मैं आपको कि 30 क्या होता है। 30 क्या होता है? ट्रायकॉन्ट। 31 कर लोगे अनट्रायकॉन्ट, डायट्रायकॉन्ट, ट्राइटायक जो भी है ये। 40 क्या होता है? टेट्राकॉन्ट। अब सारे सेम होंगे। 50 क्या होगा? पेंटाकॉन्ट। 60 क्या होगा? हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट, फिर ऑक्टाकॉन्ट, फिर नोनाकॉन्ट। बट 100 क्या होता है? हेक्ट। मैंने आपको वर्ड रूट इन शॉर्ट 100 तक करवा दिए, ठीक? यस मैम। आगे आगे हम बात करते हैं बेटा अब प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स मतलब कि सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है। कहता है अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में आ रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं? एन लिख रहे हैं। अगर वन डबल बॉन्ड है क्वेश्चन के अंदर तो हम एन लिखेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर दो डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? डाइईन, राइट? अगर क्वेश्चन के अंदर थ्री डबल बॉन्ड्स हैं तो क्या लिखेंगे? ट्राईईन एंड सो ऑन। सिमिलरली कहता है अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, अगर टू ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो डाई आइन आएगा एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों? यस मैम। आगे है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या थे? फंक्शनल ग्रुप्स। आप सबको पता ही है फंक्शनल ग्रुप्स। वैसे सबसे पहला एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। और लिखते क्या है इसको सफिक्स के अंदर? OL, राइट? सेकेंड इज एल्डिहाइड्स, दैट इज CHO। क्या लिखेंगे इसको? अल। थर्ड इज कीटोन्स, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ। इसको क्या लिखते हैं हम? ओन। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सब हमने चैप्टर्स में प्लस टू में पढ़ने हैं, दैट इज सी ओ ओ एच। इसे हम क्या लिखते हैं? ओइक एसिड, राइट? मेन में नहीं लिखवा रही हूं मैं। और है एसिड अमाइड, दैट इज सी ओ एन एच टू। इसे हम लिखेंगे अमाइड। और लास्ट है आपका इंपॉर्टेंट एक और अमाइन्स। ये पूरा चैप्टर है आपका एक प्लस टू में,
दैट इज NH2, इसे भी हम क्या लिखते हैं, अमाइन. सफिक्स इसका अमाइन ही होता है. क्लियर बच्चों? यस मैम. आगे लास्ट हमारे पास रह गया सेकेंडरी प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या थे? सब्स्टिट्यूएंट्स. अब सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग ही हमने स्टार्टिंग से करनी है ना. तो सब्स्टिट्यूएंट्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला एफ, तो उसका क्या नेम लिखते हैं हम, फ्लोरो. एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है हमेशा ये. सीएल इज क्लोरो. बीआर इज ब्रोमो. I is iodo. NO2 is nitro. NO nitroso. NONO nitrito. ये आपको पता होने चाहिए सारे. अच्छा CH3 ये क्या होता है, मिथाइल. और कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये ME भी लिखा होता है, वो मिथाइल ही होता है. C2H5 ये भी सब्स्टिट्यूएंट काम करता है, दैट इज इथाइल. और ये कभी कभी ET लिखा होता है. ठीक, तो ये सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट. Now, let's start with rules. कि हमने naming करनी कैसे है. सबसे पहला rule क्या होता है, select the longest carbon chain as principal chain. प्रिंसिपल कार्बन चेन, राइट. अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूं, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है, और एक ये एग्जाम्पल लेती हूं. जो फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल. अब आपने बताना है कि फर्स्ट में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है. क्या बन रही है बेटा लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन की? 6 वाली. हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट चेन, 6 कार्बन, राइट. दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन. इसमें कौन सी चेन बन रही है? लेफ्ट हैंड साइड से मैम, नीचे. यहाँ से? यहाँ से दूसरी साइड मैम. यहाँ से? यहाँ से. यहाँ से लेकर नीचे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट. आपने 6 कार्बन चेन बनाई. अब मैं 7 कार्बन चेन बनाती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके. यस राइट. यस मैम. ठीक है ना. तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, राइट. आपका हो गया फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल क्या कहता है, कहता है सपोज करो, मैं अगर ड्रॉ कर देती हूं, यही स्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ कर रही हूं मैं. अब सेम स्ट्रक्चर है ना, कहता सपोज करो ये एक ही स्ट्रक्चर में दो तरह के प्रिंसिपल चेन बन रही है एंड दोनों के कार्बन सेम है. देखो मैं आपको बताऊं, अगर ये 5 कार्बन की चेन बन रही है और ऐसे भी 5 कार्बन की चेन बन रही है, राइट. तो इनमें से कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे? बता सकते हो? अच्छा ये बताओ, ये मैंने कार्बन चेन सिलेक्ट करी है, ये और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स. हाँ, जब भी कार्बन चेन चूज करने के बाद जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स. तो इस वाले चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं?
बोलो बोलो टू हाँ टू कभी तीन मत बोलना क्योंकि ये एक पेयर है और ये एक डंडे के साथ ही एक पेयर है तो इसमें दो सब्सिट्यूएंट्स हैं राइट और इस वाले चेन में सब्सिट्यूएंट्स कितने हैं वन ठीक है ये पूरा एक सब्सिट्यूएंट बन रहा है कहता है जब सेम चेन में नंबर ऑफ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन दो तरीके से बन रही हो तो कितने भी तरीके से बन रही हो तब आपने हमेशा जिसके सब्सिट्यूएंट्स ज्यादा हैं आपने वही चेन चूज करनी है और चेन चूज नहीं करनी है क्लियर ठीक है यस मैम ये था सेकंड रूल नाउ थर्ड रूल कहता है नंबरिंग देखो ये जो डंडे मारे ना मैंने ऊपर नीचे ये सब्सिट्यूएंट्स हैं अब नंबरिंग हम कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज ये दो तरीके हैं या लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हम या कौन सी नंबरिंग चूज करनी है कौन सी सही नंबरिंग है देखो आपने क्या करना है अब जैसे से जा रहे हो ना सब्सिट्यूएंट पे नंबर छोटा आए आपने वो चेन चूज करनी है अब जैसे यहां से जा रहे हो टू पे आ रहे है यहां से जा रहे हो तब भी टू पे आ रहा है अच्छा आगे चलते हैं आगे ये थ्री पे आ रहा है और यहां चले तो आगे ये सिक्स पे आ रहा है तो छोटा कौन सा हुआ ऊपर वाला मैम नंबरिंग कौन सी चूज करनी है हमने ऊपर वाली ठीक है यस मैम लास्ट रूल है बेटा जैसे कि ये बहुत सारे सब्सिट्यूएंट्स लगे हुए हैं अब नेमिंग स्टार्ट कहां से करनी है सब्स्टिट्यूएंट से तो इनमें से पहला हम कौन लिखेंगे यूज ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट्स हमेशा हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखने होते हैं ठीक है ये आपके रूल्स हैं ओके आगे तो डबल ट्रिपल बॉन्ड के भी रूल्स में बीच में बता देती हूँ एक मिनट हाँ देखो अगला रूल क्या है फिफ्थ रूल कहता है अगर जब नंबरिंग कर रहे हैं और दोनों तरफ से सेम नंबरिंग पड़ रही है एक पे डबल बॉन्ड पे और एक पे ट्रिपल बॉन्ड है यहां डबल बॉन्ड पे भी वन आ रहा है यहां पे ट्रिपल बॉन्ड पे भी वन आ रहा है तो आपने हमेशा डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देना है ये ध्यान रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अपने आप में हम क्या बोलते हैं एक मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं डबल बॉन्ड भी अपने आप में एक मल्टीपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड भी अपने आप में एक मल्टीपल बॉन्ड है और जब दोनों की नंबरिंग सेम आ रही हो हमने डबल बॉन्ड को ही चूज करना है इसको प्रेफरेंस पहले देनी है कैसे ये बता दूंगी मैं चलो अब आगे करते हैं आगे है नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अल्काइल का मतलब क्या होता है बेटा कहता है किसी एल्केन में से H निकाल दो तो क्या बन जाएगा अल्काइल सिमिलरली किसी एल्कीन में से भी H निकाल दो तो क्या बन जाएगा अल्किनाइल सिमिलरली किसी एल्काइन में से भी H निकाल दो तो क्या बन जाएगा अल्काइनाइल और हमेशा याद रखना जो ये आयल्स हैं YL दीज ऑल आयल्स ऑलवेज एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि मिथेन लिखा H निकाला तो क्या बन गया मिथाइल तो मिथाइल क्या है एक सब्स्टिट्यूएंट है इथेन लिखा क्या बन गया इथाइल ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट इथाइन लिखा क्या बन गया इथाइल सॉरी
इथाइन लिखकर इथाइनाइल और अभी इथिनाइल. तो ये सारे क्या एक्ट करते हैं, सब्सिट्यूएंट्स एक्ट करते हैं हमेशा. आई बात समझ बच्चों? यस मैम. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं. अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन चेन दिखी रही है हमें, एक कार्बन चेन है इसके अंदर, राइट. अब हम करेंगे नंबरिंग. अब नंबरिंग कहां से करनी है, लेफ्ट से या राइट से, बताओ मुझे. लेफ्ट. ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नंबर यहां पर छोटा पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब क्या लिखेंगे सबसे पहले, सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, क्लोरो एंड फ्लोरो. बट इन दोनों को क्या लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो क्लोरो लिखेंगे पहले, बट क्लोरो कितने पर है, 3 पर. तो 3 क्लोरो और 2 पर है फ्लोरो. सब्स्टिट्यूएंट सिख दिया. उसके बाद हमारे पास क्या आता है, साइक्लो बाई साइक्लो. लेकिन साइक्लो तो बन नहीं रहा है, सिंपल चेन है तो वो खत्म. उसके बाद आता है वर्ड रूट, कितना हुआ, 5, दैट इज पेंट. उसके बाद आता है कि एन इन आइन क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा. क्लियर? यस मैम. यस मैम. चलो इसका बता दो, नंबरिंग कहां से होगी, लेफ्ट लेफ्ट साइड. अब क्या लिखूं मैं इसमें, 3 क्लोरो 2 डाइफ्लोरो. और ध्यान रखना हमेशा नंबर के आगे पीछे क्या आता है, हाइफन. और कॉमा कहीं भी नहीं ठोक देना, कॉमा सिर्फ नंबर्स के बीच में आता है. ठीक है, हाँ आगे बोलो. 3 क्लोरो 2 डाइफ्लोरो पेंटेन. 2 डाइफ्लोरो क्यों, 2 ऊपर भी 2 नीचे भी, 2, 2. आपने जो डाइफ्लोरो बताया है वो पूछ रहा है कि ये डाय जो है ये कहाँ कहाँ पर है. ये डाय दोनों ही 2 पर हैं. ठीक है, डाइफ्लोरो 2 डाइफ्लोरो ऊपर पेंटेन. क्लियर? यस मैम. यस मैम. थर्ड क्वेश्चन, नाउ नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, राइट. क्यों, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जैसे मर्जी कर लो. पर नहीं 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 शुभलीन, बिल्कुल सही पहला वाला आंसर. अब दोनों पे नंबरिंग सेम आ रही है सब्स्टिट्यूएंट्स पर, तो ऑब्वियसली आपने क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फ्लोरो या नाइट्रो, फ्लोरो पहले, इसीलिए नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, वहां से नहीं होगी. ठीक है, यस मैम. क्या आएगा, 1 फ्लोरो 5 नाइट्रो पेंटेन, राइट. आगे हाँ जी, पहले कार्बन चेन चूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो सभी में वही आ रहा है 6 ही, तो हम सीधा चलते हैं, टेढ़ा क्यों चलना है हमने, राइट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स. देखो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा बिल्कुल भी. अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और ये एक कार्बन है तो इट मींस इसका नाम क्या होगा, मिथाइल. ओके, आइल लगेगा हमेशा सब्स्टिट्यूएंट पर. अभी 2 कार्बन है तो ये क्या हुआ, इथाइल. इथाइल. इतना क्लियर? यस मैम. अब नेमिंग कैसे लिखेंगे, ई पहले या एम पहले, ई पहले. इसीलिए
थ्री इथाइल, टू मिथाइल, खत्म सब्सिट्यूएंट, वर्ड रूट हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन. अपना जनरल स्ट्रक्चर फॉलो करना है बस आपने हमेशा, तो भी मार नहीं खाओगे नंबरिंग में, नेमिंग के अंदर. टफ से टफ आ जाए, आप बस जनरल स्ट्रक्चर फॉलो करो कि लिखना कैसे है बस. ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, चेन क्या बनेगी? सेवन. बिल्कुल सही, सेवन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, राइट. सब्स्टिट्यूएंट एंड ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना? यस यस. क्या लिखूं बोलो? फोर इथाइल, फोर मिथाइल, थ्री मिथाइल, हेप्टेन. बिल्कुल सही, ठीक है. चलो आगे करते हैं एक और. हाँ जी, नंबरिंग कहां से पहले? राइट. क्यों? सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है. हाँ ज्यादा है, क्योंकि यहां से भी टू पढ़ रहा है, यहां से भी टू ही पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे टू पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है. वन टू थ्री. हाँ जी, नेमिंग क्या लिखूं? बोलो बोलो. टू टू डाइमिथाइल. अच्छा, आगे? फोर मिथाइल. वो भी मिथाइल था, वो भी मिथाइल था, मैं अलग अलग क्यों लिखूं उसको? टू टू फोर. हाँ, टू टू फोर ट्राइमिथाइल, ठीक है ना? पेंटेन, ठीक. यस मैम. अब एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, ऐसा ऐसा नहीं मतलब कि ध्यान से करना. हाँ जी, चेन बताओ पहले तो. स्ट्रेट चेन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. सिक्स सेवन एट नाइन टेन. सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट. पेंसिल से ना सब्स्टिट्यूएंट्स को सर्कल्स कर लिया करो ताकि बड़ा इजी हो जाए, ठीक है. अब टू पे सब्स्टिट्यूएंट है और थ्री पे ये क्या बन रहे हैं? मिथाइल. देखो हमेशा ध्यान रखना, जो हमें आगे डाइट्राय लिखते हैं ना, ये कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होते. अब अगर डाइमिथाइल लिख रही हूँ तो यहाँ पे डी काउंटेड नहीं होगा, एम काउंट होगा, ठीक है. अब देखो yes. अभी तक हम तो सब्स्टिट्यूएंट जो हैं क्लोरो फ्लोरो मिथाइल इथाइल लिखते आ रहे हैं. अब सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा दिख रहा है आपको? एक अगेन एक स्ट्रक्चर है ना? यस. जब एक सब्स्टिट्यूएंट पूरा एक स्ट्रक्चर हो तो हमेशा वो ब्रैकेट में आता है, मतलब कि सिक्स का सब्स्टिट्यूएंट है तो ये ब्रैकेट में आएगा जो इसका आंसर होगा, ठीक है. अगर एक सब्स्टिट्यूएंट एक पूरा स्ट्रक्चर है तो हमेशा वो एक ब्रैकेट में आता है और उसकी नेमिंग दोबारा से होती है. जैसे कि अब ये यहां से शुरू हो रहा है, ये जहां से शुरू हो रहा है नंबर वन तो उसी को ही आता है हमेशा, और जहां से ये शुरू होता है ना इसको हम कहते हैं फ्री वैलेंट कार्बन.
तो फ्रीली अब कार्बन की चेन बन रही है आगे सब्सिट्यूएंट। तो नंबर वन तो यही आता है हमेशा, ये नहीं कि आप कहीं भी नंबर वन दे दोगे उसको। तो नंबर वन, नंबर टू, अब थ्री ऐसे लो या ऐसे लो वो एक ही बात है। अब सब्सिट्यूएंट के अंदर हमें एक और सब्सिट्यूएंट मिल गया, तो टू पे क्या बन रहा है, सिक्स मिथाइल। सिक्स के अंदर टू पर मिथाइल, अब क्या लिखेंगे वर्ड रूट थ्री, तीन का क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रोपाइल। हाँ प्रोपेन नहीं आएगा, प्रोपाइल, क्योंकि ये के सब्सिट्यूएंट है। ठीक है यस। अब इससे पहले आ जाएगा 2.3 डायमिथाइल, सिक्स का ये लास्ट वर्ड रूट, टेन का डेकेन। क्लियर बच्चों? यस मैम। मैं तुम लोगों को ना क्वेश्चन दूंगी नेमिंग के, थोड़े से 8-9 क्वेश्चन, ठीक है, वो घर बैठ के करना। ओके मैम। मैं अभी और करवा रही हूँ। अब हम करते हैं नेमिंग सिंगल बॉन्ड की हो गई है, डबल बॉन्ड की। आई विल ट्राई कि मैं आज और कल में आपकी नेमिंग कंप्लीट कर दूं, चैप्टर की नहीं, जो मैं प्लस वन की नेमिंग चाहती हूँ। ओके मैम। सुनो डबल बॉन्ड के अंदर, अब देखो, अब जैसे कि अभी मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, सिक्स के साथ सिंगल बॉन्ड था और फिर स्ट्रक्चर बना हुआ था जो सब्सिट्यूएंट था, है ना। कहते हैं अगर ये सब्सिट्यूएंट डबल बॉन्ड के साथ हो, मतलब कि कोई भी CH3 है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है सब्सिट्यूएंट के साथ, तो हमेशा उसका नाम क्या आता है, ये दो कार्बन है तो नाम क्या आएगा डबल बॉन्ड वाले के साथ, इथाइलीडीन। और कभी भी CH2 डबल बॉन्ड होता है एज अ सब्सिट्यूएंट काम करे, तो हमेशा इसका नाम क्या आता है, मिथाइलीन। ओके मैम रिपीट कर दो। देखो बेटा, ये दो, कभी भी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो एज अ सब्सिट्यूएंट काम करे, जैसे कि मैंने ये चेन बनाई, ये चेन हमारी मेन चेन है, बट ये क्या है, सब्सिट्यूएंट, ये एक कार्बन पे डबल बॉन्ड बन रहा है एज अ सब्सिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइलीन। अगर दो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सब्सिट्यूएंट बना रहे हैं तो उसका नाम होता है इथाइलीडीन। ये मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, अभी समझ में आएगा, मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। तो डबल बॉन्ड के क्वेश्चंस करते हैं ऐसे। अब ये सारे क्या हैं, कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, एक कार्बन, ये कार्बन, तो वो भी कार्बन ही वाली क्लोरीन लगा हुआ है। अब देखो, जहां डबल बॉन्ड पास पड़ेगा नंबरिंग वहां शुरू होगी, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, यहां पे टू, डबल बॉन्ड पे टू पड़ रहे, यहां पे 1, 2, 3, 4 पड़ता। ओके तो नेमिंग वैसे ही होगी, ओके मैम, 4-chloro, उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद क्या आता है, एन, इन, आइन। अच्छा इन किस पर है, टू पर या थ्री पर, टू, ये ध्यान रखना, जहां से नंबर छोटा स्टार्टिंग पड़ रही है उसी की होती है, तो हेक्स टू इन, ये हमारे पास नेमिंग आई इसकी। ओके हां जी, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, लेफ्ट साइड, यहां से, यस मैम, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ओहो, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस तब देंगे अगर डबल बॉन्ड यहां पर होता। देख बेटा, अगर डबल बॉन्ड यहां होता और ट्रिपल बॉन्ड यहां पे है, तो इसको भी नंबर वन आ रहा है, इसको भी नंबर वन आ रहा है ना, तो हम प्रेफरेंस इसको देंगे, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है पहले वाले पर, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो प्रेफरेंस आपने मल्टीपल बॉन्ड को देनी है। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस तब देनी है जब नंबरिंग सेम पड़ रही हो। बात क्लियर हुई? यस मैम। हाँ, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है,
डायरेक्टली वर्ड रूट पेंट, पेंट के साथ पहले इन लिखेंगे और फिर अन लिखेंगे. कितने पर इन है? 3 पर इन और 1 पर आइन. क्लियर हुआ ये? यस सुब्रीन मानसी, क्लियर हुआ? यस मैम. हमेशा एक बात और ध्यान रखना, केमिस्ट्री में 5 वाउल्स होते हैं, ए ई वाई ओ यू. ये 5 वाउल्स में से कोई भी यहां पे हमें वाउल दिख जाए तो उससे पहले का जो ये ई है ये ड्रॉप हो जाता है. इट मीन इसका आंसर क्या आया? आंसर इसका ये आया, पेंट 3 ई एन इन 1 आइन. क्लियर हुआ? यस मैम. फटाफट एक दो क्वेश्चन तो और करते हैं, फिर डबल ट्रिपल भी खत्म हो जाएगा. अब देखो, जैसे कि फटाफट बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी. जल्दी बोलो, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट राइट. हाँ, लेफ्ट लेफ्ट. क्यों? क्योंकि इस तरफ 2 डबल बॉन्ड है. बिल्कुल, यहाँ भी 1 पड़ रहा है, यहाँ भी 1 पड़ रहा है ना, बट यहाँ ट्रिपल है, यहाँ डबल है, डबल का प्रेफरेंस पहले. ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है, डायरेक्टली वर्ड रूट ऑक्ट, उसके बाद 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1,3 डाइईन, उसके बाद 7 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 7 आइन. मैंने क्या मिस्टेक करी है इसके अंदर? वोवल वाली. हाँ, ये ई नहीं आएगा, राइट? एक और मिस्टेक करी है, जब भी कोई भी एक मल्टीपल बॉन्ड आइडेंटिकल रिपीट हो रहा हो, डबल बॉन्ड 2 बार है ना, जब भी आइडेंटिकल बॉन्ड रिपीट हो रहा हो तो हमेशा वर्ड रूट के आगे ए आ जाता है. ओके मैम, दोबारा बताना. जब भी आइडेंटिकल बॉन्ड, आइडेंटिकल मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हो, जैसे कि यहां पे डबल बॉन्ड क्या है, 2 बार, तो हमेशा वर्ड रूट के साथ ए आ जाएगा. ओके मैम. अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, अब यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो यहां पे हेप्टा नहीं होगा, यहां पे हेप्ट ही रहेगा, क्योंकि यहां पे अलग अलग बॉन्ड है ना ये. अगर आइडेंटिकल बॉन्ड रिपीट हो रहा है तो वर्ड रूट के बाद ए लग जाता है. ठीक. ओके मैम. ओके मैम. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, फिर आप लोगों को मैं पिक सेंड करूंगी, होमवर्क दूंगी, वो करना. सबसे पहले नंबरिंग, जल्दी से, लास्ट 1 मिनट रह गए. नंबरिंग बोलो बोलो. हो राइट. देखो देखो, जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो एक डबल बॉन्ड पे शुरू होगा और दूसरे पर ही खत्म होगा. ये सारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट. तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखनी हमने, भारत की लॉन्गेस्ट चेन. ओके, ये सारा सब्स्टिट्यूएंट. yes, तो ये 3 पे सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, 1, 2, 3, 4. तो क्या बन रहा है ये? एक डंडी का मतलब क्या होता है? मिथाइल एज सब्स्टिट्यूएंट. 2 मिथाइल, मिथाइल प्रो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल. ठीक है, उसके बाद पेंट 1,4 डाइन. लेकिन पेंट नहीं आएगा, पेंटा आएगा, डबल बॉन्ड दो है. ठीक है. ओके, तो यहाँ पे सिंगल डबल ट्रिपल की नेमिंग खत्म, फंक्शनल ग्रुप की रह गई है, साइक्लो की रह गई है, थोड़ा बहुत जो है मैं कल नेमिंग और करवा दूंगी. ठीक है, तो अभी तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगी मैं आज, तो वो करना घर बैठ के थोड़ा सा. ओके ओके मैम. ओके मैम. कल भी क्लास लगा लेंगे, मैं टाइमिंग बताऊंगी कितने बजे लगानी है.
थैंक यू मैम. ओके.